दोस्तों, हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक क्वेश्चन बार बार हमारे सामने आता है जो बहुत सारे कस्टमर पूछते हैं कि क्या बिना आरओ के भी हम पानी की टीडीएस कम कर सकते हैं। आमतौर पे जब भी दोस्तों हम प्योरीफिकेशन का नाम लेते हैं तो आरओ सिस्टम का ही नाम सामने आता है। अगर टीडीएस 1000 हो, 2000 पीपीएम हो, 3000 पीपीएम हो या 4000 पीपीएम हो, तो आरओ ही अलग अलग रेंज के यूज़ किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, नेचुरल तौर पे पानी की टीडीएस कम करने के लिए भी रिसर्च की जा रही है, तो उसी पे आज हमें कुछ जानकारी अवेलेबल। दोस्तों, लो टीडीएस के लिए तो जो ग्रेविटी फिल्टर आता है बिना बिजली के, वो पानी को प्योर तो करता है लेकिन उसकी टीडीएस कम नहीं करता है। उसमें से डस्ट पार्टिकल, सेडिमेंट, सैंड ये रिमूव करता है। लेकिन अगर हम टीडीएस कम करना चाहें पानी की, और वो भी बिना बिजली के फ़िल्टर के, तो क्या ये पॉसिबल है? तो दोस्तों, आज मैं आपको अहम जानकारी देने जा रहा हूँ। कुछ हद तक ये पॉसिबल है दोस्तों। अगर मान लीजिए कि टीडीएस 2200 है और आपको प्योर पानी की टीडीएस 200 मिल जाए, वो भी बिना बिजली के ही, जो आरओ सिस्टम है उसके अलावा, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों, एक ख़ास तरह का नेचुरल सीड आता है जिसका नाम सोहंजन है, और इंग्लिश में उसे मोरिंगा सीड कहते हैं। मोरिंगा सीड को अगर हम क्रश करें, क्रश कर फिर उसके सीड को उस पानी में डाल दें जिसको हमने प्योरीफाई करना है, तो ये पानी की टीडीएस को कुछ घंटों में कम कर देता है। जैसे कि मान लो कि टीडीएस 2000 हो, तो वो उसकी टीडीएस पानी की तकरीबन 300-400 के करीब आ जाती है। तो ये दोस्तों चमत्कारी बीज हैं जिनका नाम हिंदी में सोहंजन सीड कहते हैं, बीज कहते हैं, और इंग्लिश में इसको मोरिंगा सीड कहते हैं। ये ख़ास तौर पे अब इसकी खेती बहुत प्रचलित हो गई है पंजाब में भी। ये अलग अलग जगह पर सोहंजन ट्री के नाम से मशहूर है। इसके प्योरीफिकेशन प्रोसेस की कुछ पिक्चर्स हमें भी मिली है जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये हमने सैंपल लिए हैं दो, जिसमें पानी में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ और टीडीएस 300 के करीब है। तो जो हमारे पास सीड आए हैं उनको पहले ये क्रश कर रहे हैं, उसका पाउडर बना रहे हैं, फिर उसको मिक्स कर स्टीयर करते हैं। स्टीयर करने के बाद कुछ घंटों में जो है पानी बिल्कुल प्योर हो जाता है, और प्योर होकर जो उसकी साल्ट है, सेडिमेंट है, वो पानी के बॉटम में बैठ जाते हैं, और जो प्योर पानी है वो ऊपर की सतह पर रह जाता है। उसको फिर दोबारा पेपर का, जो टिश्यू पेपर कह सकते हैं, उस तरह का पेपर यूज़ कर हम पानी को फ़िल्टर करते हैं, और फ़िल्टर करने के बाद प्योर पानी जो फाइनल हमें मिलता है वो काफ़ी बढ़िया होता है और पीने योग्य होता है। उसकी टीडीएस भी काफ़ी कम हो जाती है। तो आने वाले वक्त में इस आपको ये मैं लाइव दिखाने वाला हूँ, ज़रूर देखिएगा वीडियो। थैंक यू वेरी मच।